अगर आपने अभी अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया था और अप्लाई किए हुए कई दिन हो चुके हैं और आपका वोटर आईडी कार्ड बन चुका है, या फिर आपने अपने वोटर आईडी कार्ड में कुछ भी करेक्शन कराया था और करेक्शन भी हो चुका है, लेकिन अभी तक आपको आपका वोटर आईडी कार्ड आपके पते पर नहीं मिला है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको एक छोटा सा काम करना होगा और आपके पते पर सिर्फ 10 दिन के अंदर आपका वोटर आईडी कार्ड बाई पोस्ट पहुंचा दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो उसके लिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइन अप का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है मोबाइल नंबर का, तो यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो कैप्चा लिखा है उसको फिल करना है, रजिस्टर पर क्लिक करना है। आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरीके का पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको अपनी एक प्रोफाइल बनानी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर यहाँ पर आपको अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर डालना है। अगर आपकी ईमेल आईडी है तो यहाँ पर आप डाल दीजिए, वरना इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद सिलेक्ट स्टेट पर क्लिक करके आपको अपनी स्टेट चूज कर लेनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा असेंबली का, इस पर आपको क्लिक करके अपनी असेंबली यानी विधानसभा चूज कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको एक अपना पासवर्ड बनाना होगा, तो उसके लिए यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड डाल देना है। जो आपने पासवर्ड यहाँ पर डाला है वो यहाँ पर आपको कंफर्म करना है, क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। पासवर्ड की कुछ कंडीशन है, जैसे कि पासवर्ड में आपके एक अल्फाबेट करेक्टर होना चाहिए, यानी कुल मिला के आपका पासवर्ड कुछ इस तरीके का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका नाम अनिल है तो आपका पासवर्ड होना चाहिए कैपिटल ए स्मॉल एन आई एल एट द रेट 123, इस तरीके का पासवर्ड आपको होना चाहिए। आपको पासवर्ड डालना है, उसके बाद कन्फर्म करना है, फिर आपको क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरीके से लिख कर आ जाएगा सक्सेस प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली। यहाँ पर आपको उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा कंप्लेंट का, आपको कंप्लेंट पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाते हैं, रजिस्टर कंप्लेंट और स्टेटस ऑफ कंप्लेंट, तो आपको रजिस्टर कंप्लेंट पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको कंप्लेंट टाइप चूज करना है, तो उसके लिए सिलेक्ट कंप्लेंट टाइप पर क्लिक करना है और यहाँ पर सिटीजन को आपको चूज कर लेना है। उसके बाद चूज अ सब्जेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ईपिक कार्ड का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद पार्टिकुलर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आकर आपको अपना रीजन चूज कर लेना है कि आप किस चीज़ की कंप्लेंट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आपने अपना वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया था तो आपका वो अभी तक नहीं बना है, तो यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसा कि आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि हमें वोटर आईडी कार्ड रिसीव नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं ईपिक कार्ड नॉट डिलीवर्ड। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्क्रिप्शन देना है, यानी आपको लिखना है कि आपने किस चीज़ के लिए अप्लाई किया था तब आपको रिसीव नहीं हुआ है। जैसा कि हमें वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन कराया था उसके बाद हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया है ईपिक कार्ड नॉट रिसीव आफ्टर अप्लाइंग, तो जो भी आपका रीजन हो वो यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, तो डॉक्यूमेंट में आप दोस्तों अपना स्क्रीनशॉट दे सकते हैं किस चीज़ का, स्टेटस वाला, जो आप स्टेटस चेक करने जाते हैं उस पेज का स्क्रीनशॉट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा, यहाँ पर लिखकर आ गया है कि आपकी जो कंप्लेंट है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुकी है। यहाँ पर आपको एक कंप्लेंट आईडी दी जाएगी, तो आपको इसको नोट कर लेना है और इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद इस कंप्लेंट आईडी के जरिए आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि जो आपकी कंप्लेंट है वो कहाँ तक पहुँची है। तो स्टेटस चेक करने के लिए आपको कंप्लेंट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्टेटस ऑफ कंप्लेंट का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से जो आपकी आईडी से कंप्लेंट की गई होंगी वो इस तरीके से शो होने लगेगी। यहाँ पर देखिए हमारी जो कंप्लेंट आईडी है वो लिखकर आ रही है, यहाँ पर डेट टाइमिंग लिखकर आ रही है और यहाँ पर सब्जेक्ट भी लिखकर आ रहा है कि हमने किस टॉपिक पर मतलब किस लिए अपनी कंप्लेंट की थी। और यहाँ पर देखिए स्टेटस यहाँ पर शो हो रहा है कि अभी जो है हमारी ओपन है। यहाँ पर व्यू पर क्लिक करके आप अपनी कंप्लेंट को देख सकते हैं और जो भी यहाँ पर देखिए एक्शन लिया जाता है आपकी कंप्लेंट पर वो यहाँ पर एक्शन टेकिंग का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर लिखकर आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही आपका ये एक्शन कंप्लीट हो जाएगा यानी आपकी जो कंप्लेंट है वो रिसीव कर लेंगे, आपकी कंप्लेंट का जवाब आ जाएगा, तो वैसे ही कुछ ही दिन के अंदर आपके घर पर आपका वोटर आईडी कार्ड भेज
किया जाएगा, वो भी स्पीड पोस्ट के जरिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।